आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में चलते रहे, चिराग आंधियों में चलते रहे। इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। दो मेंढक चल रहे होते हैं, दो फ्रॉग चल रहे होते हैं, दो फ्रॉग्स चल रहे हैं तो अचानक आगे एक खाई आती है, एक डिक में वो गिर जाते हैं। दो फ्रॉग्स चल रहे हैं, अचानक एक खाई में वो गिर गए। दोनों फ्रॉग गिरे तो वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरों के साथ मिट्टी के साथ रगड़ रहे हैं, कहीं खून निकल रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से पांच छह फ्रॉग, पांच छह मेंढक और आ जाते हैं जो उनको सलाह देनी शुरू कर देते हैं, जो हमारे साथ भी होता है। पांच छह मेंढक और आ जाते हैं, उनको सलाह देनी शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये खाई बहुत गहरी है, तो इससे बाहर निकल नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है, इतनी गंदी, इतनी तपस्या भरी, इतनी दर्द भरी मौत का, इतनी दुख भरी मौत का कोई फायदा नहीं है, आराम से शांति की मौत मर जाओ। एक फ्रॉग उसी वक्त शांत हो जाता है, ऊपर बैठे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार यार कह रहे हैं कोई फायदा नहीं, रुक जाता है, थम जाता है कि आगे नहीं बढ़ना। दूसरा फ्रॉग और जोर से कोशिश करनी शुरू कर देता है, दूसरा मेंढक और जोर से जंप करनी शुरू कर देता है, और रैशेज हो रहे हैं और खून निकल रहा है और रगड़े लग रही है, लेकिन वो और जंप कर रहा है। ऊपर बैठे लोग और परेशान, जब किसी की सलाह नहीं मानो तो लोग तो परेशान होते हैं, राइट। वो और परेशान, तुझे समझाया है इतनी दर्द वाली मौत को मत इनवाइट कर, इतनी दर्द वाली मौत को मत बुला, आराम से शांति से मर जा। वो मेंढक और ज्यादा जंप करनी शुरू कर देता है, और ज्यादा उछलना शुरू कर देता है, और ज्यादा जोर लगाता है, और खून निकल रहा है लेकिन और ज्यादा कोशिश कर रहा है। ऊपर बैठे मेंढक और परेशान, वो चिल्लाते हैं तुझे समझाया है, उसको देख वो शांति से अपनी शांति की मौत मर रहा है, तू इतनी दर्दनाक मौत मर रहा है, तू भी शांति से मौत मर, तुझे समझ नहीं आती, रुक जा, थम जा, बस कर। वो मेंढक और ज्यादा जंप करता है, और उछलता है, और कूदता है, खून बह रहा है, बहने दो, लेकिन और जंप करता है, और जंप करते करते बाहर आ जाता है। वो मेंढक बाहर आ गया, दूसरा मेंढक नीचे रह गया। अब सबको परेशानी, किसने हमारी एडवाइस क्यों नहीं मानी, इसने हमारी सलाह क्यों नहीं मानी, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चला। उसके पास जाते हैं जानने के लिए कैसा क्या था उसके माइंड में, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जब बात करते हैं तो पता चलता है कि जो मेंढक जंप करके बाहर आया वो मेंढक बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। जब मेंढक उसको डिस्करेज कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, उसको लग रहा था इनकरेज कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, वो और जोर से जंप करता था, वो और मना करते थे मत कर मत कर, उसको लगता था बोल रहे हैं कर पाएगा, और वो और ज्यादा जंप करता था। जब आसपास की नेगेटिविटी तंग करे तो ऐसे लोगों के आगे बहरा होना ही अच्छा है। हर अचीवर, हर सक्सेसफुल, किसी भी परफॉर्मर को देखो, जितना वो बहरा हुआ नेगेटिविटी के आगे उतना वो ग्रो किया, राइट? ये चीज हमारे साथ भी होती है, नेगेटिविटी आसपास आएगी, आपको रोकेगी, हालात रोकेंगे, टोकेंगे, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, सिचुएशंस इरिटेट करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी, कदम बार बार डगमगाएंगे, लेकिन हमें चलते रहना होगा, हमें बढ़ते रहना होगा। पीपल विल रेट यू, पीपल विल हेट यू, पीपल विल शेक यू, पीपल विल ब्रेक यू, बट इट इज यू हु इज गोइंग टू मेक यू, इट इज यू हु इज गोइंग टू मेक यू। हर किसी को रोका गया था। स्टीव जॉब्स को उसकी अपनी कंपनी से निकाल दिया था कि तू एक अच्छा लीडर नहीं है, और उन्होंने निकल के दो कंपनीज खड़ी कर दी, नेक्स्ट एंड पिक्सल। अगर वो उनके आगे बहरा नहीं होते, उनकी मान लेते तो रुक जाते। लोगों ने कहा लड़कियों के बस की नहीं है बॉक्सिंग करना, और कांगेथाई गांव मणिपुर में से, छोटे से गांव से निकल के मैरी कॉम ने 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, क्योंकि वो लोगों के आगे बहरे हो गए थे, ऐसी नेगेटिविटी के आगे बहरे हो गए थे। धीरूभाई अंबानी 150 रुपए महीना कमाते थे, कहते थे करोड़ों रुपए की जायदाद खड़ी करूंगा, लोगों ने क्या कहा, पागल हो गया है, लेकिन बहरा होना ही बेटर था उनके लिए। बोमन ईरानी ने 44 इयर्स की एज में एक्टिंग करियर शुरू किया, लोगों ने डिस्करेज किया, 44 साल की उम्र में एक्टिंग। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी के छोटे से गांव से निकले, लोगों ने कहा तेरी लुक्स में ग्लैमर नहीं है, वो बहरे हो गए, कि जिगर में दम होना चाहिए, लुक्स में ग्लैमर हो ना हो। रामेश्वरम का लड़का अखबार बेचता था घर घर में जाके, उसने कहा मुझे साइंटिस्ट बनना है, लोगों ने कहा छोटे शहर में सपने छोटे ही होने चाहिए, और वो निकले एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बने और प्रेसिडेंट बने, और प्रूव किया कि शहर छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, सपने छोटे नहीं होने चाहिए। हर मंजिल होगी अपनी एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, हर मंजिल होगी अपनी एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लो, खुद से ये वादा कर लो।